हेलो फ्रेंड्स, यमी ट्रीट्स विद जूली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल तड़का, जो सिर्फ और सिर्फ रोटी के साथ आप खाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और ढाबे वाली दाल तड़का में ऐसा क्या डालते हैं वो लोग जो इतना अमेजिंग टेस्ट होता है, तो चलिए हम जानते हैं कि क्या डालते हैं वो उसमें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया और 2 घंटे सोक किया हुआ चना दाल था, जो मैं 2 कप चना दाल का बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बनाइएगा और 2 कप चने दाल के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी डिस्प्ले हो रहा है उन सारी चीज़ों को हम चना दाल के साथ कुकर में डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों की मेज़रमेंट आपको डिस्प्ले भी हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ कुछ बेसिक मसाले हैं जो हम डेली अपने किचन में यूज़ करते हैं खाने में, तो सारे बेसिक मसाले भी हम जो है अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल देंगे। जो भी क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है मैंने उतना ही डाला है। तो सभी चीज़ों को हम डाल देंगे कुकर में और दाल के साथ इसको जो है हम प्रेशर कुकर करेंगे, कम से कम 7 से 8 सीटी में अच्छे से गल जाएगा। फिर हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 ग्लास पानी, आप अपने हिसाब से डालना, और इसको हम प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज लिया था, उनको बिल्कुल बारीक काट लिया। साथ में मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है और अदरक भी लिया है, तो सभी को हम बारीक काट लेंगे अच्छे से। और सभी को जो है काटने के बाद, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप वो भी काट लीजिएगा। एक कढ़ाही लेंगे और कढ़ाही में मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है और साथ में सभी जो है तेजपत्ता, रेड चिल्ली और ज़ीरा को मैंने इसमें डाल दिया। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ इन सभी चीज़ों को जो डिस्प्ले हो रही है हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए दाल हमारा पक चुका है, बहुत बढ़िया से गल गया है, ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें। तो इसमें हम सारा जो मसाला भी भुना था ना उसको हम इसमें डाल देंगे, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद देखिए कितना अच्छा दाल का कलर आया है और गाढ़ा भी है। तो दाल तड़का तो हमारा देखिए झटपट सा बन गया है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं और खा कर बताती हूँ कि कैसी बनी है ये। तो खाने में तो ये बहुत अमेजिंग है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको बिहार का स्पेशल दाल तड़का बहुत पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं चलती हूँ अगली रेसिपी की तैयारी करने और आप लोग एंजॉय कीजिए दाल तड़का। टिल देन।